हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल आई होप आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रांस के लिए काफ़ी बढ़िया जा रही होगी और अगर नहीं भी जा रही है तो हम हैं आपकी हेल्प के लिए आज जो हम वीडियो आपके समक्ष लेके आ रहे हैं ये चौथी वीडियो होने वाली है हायर स्टडीज़ इन फ्रांस प्रोसेस की तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन उस पूरी प्ले को आप प्लीज़ चेकआउट कर लें तो आपकी कैंपस फ्रांस की प्रोसेस खत्म हो गई होगी आपने कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू दे दिया होगा आपकी एन आ चुकी होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है दोस्तों वीज़ा के लिए अप्लाई करना तो इस पूरी वीजा प्रोसेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और आज ये वीडियो पहले पार्ट के बारे में होने वाली है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिलअप करना है अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको बनाने होंगे और कैसे बनाएं कुछ कुछ मेजर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी पेचीदा हो सकती हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो में देंगे और लास्ट वीडियो इंक्लूड करेगी कि आप वी एफ की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें तो ये पूरा एक पैकेज होने वाला है इन तीन वीडियोस का कि आप वीज़ा प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं तो शुरू करते हैं पहली वीडियो के साथ जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप गूगल पर जाएँ आप वी फ्रांस सर्च करें तो पहला लिंक जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वी ग्लोबल का आप इस पर क्लिक करें यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं अप्लाई फ़ॉर फ्रांस बुक एंड अपॉइंटमेंट और ऑप्शनल सर्विसेज बाकी के बारे में अभी आपने नहीं सोचना है अभी हम अप्लाई फ़ॉर वीज़ा करेंगे तो इसमें जाने के बाद आपके सामने आ रहा होगा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको करनी होगी तो पहला है आइडेंटिफाई योर वीज़ा टाइप हम जानते हैं हमारा वीज़ा कौन सा है हम स्टूडेंट वीज़ा लगा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली अगला आ जा रहा है बिगिन योर एप्लीकेशन तो इसमें हमारे को इंटरेस्ट है हम बिगिन योर एप्लीकेशन में फ्रांस वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करें स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए पेज पर पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर आपको क्लिक करना है इस नीले बटन पे स्टार्ट यू वीज़ा एप्लीकेशन अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप सीधा अपना लॉग इन आई डी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं नहीं तो अगर नहीं बनाया तो क्रिएट एन अकाउंट कर लें उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना नाम इन्फॉर्मेशन वगैरह सब डाल दें और ये ज़रूर याद रखिएगा कि जिस लैंग्वेज में आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे और आपको क्लिक करना होगा क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट इन अ न्यू ग्रुप इस पर क्लिक करते ही आप स्टेप वन पे आ जाएंगे जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट जस्टिफाई या डिफाइन करना होगा आपकी सबसे पहली एंट्री होगी आपकी करंट नेशनैलिटी जो हमारे केस में इंडियन है हम इंडियन डाल देंगे इसमें आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं किसी फैमिली मेंबर को मीट करने के लिए जो कि नेशनल और ईयू कंट्री में रहता है तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें हमारे केस में नो था अब नो डाल दें आपका स्टे की इंफॉर्मेशन हम मांग रहा है ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इंडिया है हमारे केस में एप्लीकेशन सबमिशन सिटी न्यू आप सेलेक्ट तो कर करेंगे 90 days, है होने वाला है और मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे मेट्रोपॉलिटन फ्रांस होगा इस केस में क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि फ्रांस सिर्फ मेन फ्रांस नहीं है बहुत छोटे छोटे टॉप बहुत सारे हैं आप वहाँ पे भी जा सकते हैं उसके बाद हमारे को ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे कि आपके अथॉरिटी कौन सी है जो इशू कर रही है इस डॉक्यूमेंट्स को तो हमारे केस में इंडिया है ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स ऑर्डिनरी पासपोर्ट हमारे केस में ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर जो कि हमारे केस में पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का आप नंबर डाल देंगे याद रखिएगा दोस्तों हम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन परपजिज़ के लिए ये कोई वैलिड इफॉर्मेशन है नहीं ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या डिटेल कहाँ डालनी होती है डेट ऑफ इशू हमने यहाँ पे डाल दी है एक एक दो और 2030 में एक्सपायर हो गया जी हमारा पासपोर्ट कुछ लोगों के केस में ये हो रहा होता है कि उनकी एक्सपायरेशन डेट पासपोर्ट की नज़दीक आ रही होती है तो उस केस में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले ही रिन्यू करवा लें अपना पासपोर्ट ताकि उसमें फ्रेश डेट्स लिख हुई हों आगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको लिखना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है हमारे केस में स्टडीज़ है आप स्टडीज डाल दें और मेन रीजन ऑफ स्टे स्टूडेंट आ जाएगा आगे चलने पे आपको टू सेफ गार्ड कर देना है और फॉलोइंग पे क्लिक करना है आप येस yes पे क्लिक कर देंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे स्टेप टू पे जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल अब आ जाएगी आपको अपना जेंडर डालना है मेल हमारे केस में मैरिटल स्टेटस बैचलर लास्ट नेम डालना है पुरोहित डाल दे रहे हैं हम हमारे केस में तो बर्थ नेम कईयों के केस में अलग होता है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं पर हमारा चेंज नहीं हुआ तो हम नहीं डालेंगे आगे आ जाता है दोस्तों फर्स्ट नेम के बारे में तो हमने नाम एंटर किया विजय और हम ये चीज़ भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों के मिडिल नेम होते हैं तो मिडिल नेम के लिए क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो आप फर्स्ट नेम के साथ ही डाल दें जैसे विजय देनानाथ हमने यहाँ पर डाला है डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करें प्लेस ऑफ बर्थ अपना डाल दें महाराष्ट्र आपका जो भी है आप वो डालें प्लीज़ और करंट नैशनलिटी इंडियन और आ जाते हैं नैशनल आइडेंटिटी नंबर पे तो नेशनल आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड होगा आप आधार कार्ड का आप यहाँ पर नंबर डाल दें ने एट बर्थ है डिफरेंट तो दोस्तों हमारी नहीं थी डिफरेंट तो इसमें हम वो नहीं डालेंगे अब बात करते हैं दोस्तों योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दें हमने यहाँ पर डाला गुरुगांव गोल्ड सिटी पोस्टल कोड डाल दीजिए अपना सिटी कंट्री अपना फ़ोन नंबर और ई एड्रेस तो इस केस में हमने डाला है विजय पुरोहित जमुना वाले देखिए कितना तगड़ा ई एड्रेस डाला है एक और चीज़ बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो आप एड्रेस डाल रहे हैं ये अपना परमानेंट एड्रेस डालें जो आपके पासपोर्ट में भी मेंशन हुआ हो कुछ लोग ये दिक्कत करते हैं कि अब मैं अपने परमानेंट एड्रेस में तो नहीं रहता हूँ कहीं और रहता हूँ या रहती हूँ तो उस केस में मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कैसे होगी तो चिंता ना करिए वो जब आगे बी की प्रोसेस होगी तो वो आपसे पूछते हैं कि किस एड्रेस पर आपका पासपोर्ट डिलीवर हो तो वहाँ पर आप वो डिटेल्स डाल सकते हैं आगे चलते हैं डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिटी डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नैशनलिटी नो योर फैमिली आर यू ज्वाइनिंग और ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर ये भी नहीं है हमारे केस में आपके फैमिली लिव करती है फ्रांस में इसमें भी नो डाल देंगे हम तो बात करते हैं तो दोस्तों आपकी करंट एक्टिविटी तो हम तो उस टाइम बेरोज़गार थे तो हमने अनएम्प्लॉयड पर्सन डाल दिया है वहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप डाल सकते हैं सेफ कार्ड कर देंगे दोबारा और क्लिक कर देंगे फॉलोइंग पे अब आ जाते हैं दोस्तों स्टेप थ्री ऑफ दिस फॉर्म फिलअप इसमें आप डालेंगे आपका प्रीवियस स्टे की इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले कभी फ्रांस में आए थे मोर देन थ्री कन्जिव मंथ्स के लिए तो आपको वो डेट और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी होगी अपनी मंथ ईयर डालें एंड ऑफ स्टे डालें अपना जो भी आपका रीज़न था वो यहाँ पे मेंशन ज़रूर करें और आपकी जो डिटेल्स थी आपका एड्रेस हो गया आपका पोस्टल कोड आपकी सिटी और कंट्री तो ऑब्वियसली फ्रांस ही पूछ रखा है तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देंगे अगेन अगर आपने नहीं कर रखा है आप नहीं आए फ्रांस में तो नो no पे क्लिक करें सेफ कार्ड पे क्लिक करने के बाद फॉलोइंग दबा दें तो आगे चलते हैं दोस्तों अब स्टेप नंबर फोर पे जो कि है आपका योर स्टे तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ योर स्टे एंड इसमें हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल ऑन फ्रेंच टेरिटरी आप डाल दीजिए जो भी डेट है आपकी आप जब भी फ्रांस में आ जाएंगे उसके बाद आता है दोस्तों आपका नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ स्टे इसमें हम जाएंगे अंदर तो देखते हैं बिटवीन थ्री एंड सिक्स मंथ्स बिटवीन सिक्स मंथ्स एंड अ ईयर मोर देन वन ईयर तो इसमें हम ले लेंगे ऑप्शन मोर देन वन ईयर क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कोर्स एक साल से ज्यादा की ड्यूरेशन का होता है और इससे ज्यादा का मोर देन वन ईयर का हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं तो हम मोर देन वन ईयर ले लेंगे और एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि हम मोर देन वन ईयर इसलिए भी लेते हैं कि हम जब यहां पर आ जाएंगे तो एक साल बाद हमको री एप्लीकेशन करनी पड़ेगी अपने वीजा प्रोसेस की उसकी भी वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे तो आप हमारे साथ आगे के लिए भी बने रहें जिससे आपको सभी प्रोसेस में आसानी रहेगी इससे आगे चलते हैं दोस्तों आपका ई e -E नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए हम इसमें भी ये अभी जरूरी नहीं है डालना आगे चलते हैं दोस्तों हम फेलो में इसमें पूछ रहा है आपसे कि आर यू ए स्कॉलरशिप होल्डर नो no, हमारे केस में नहीं था अगर आपके केस में है तो आप यस कर दीजिए और सारी डिटेल्स डाल दीजिए जहां से भी आपको स्कॉलरशिप मिली है उसके बाद आपका आता है फैमिली मेंबर्स आर यू ट्रैवलिंग विद योर फैमिली मेंबर्स हमारे केस में नो था तो हमने नो सेलेक्ट करा अगर आपके केस में यस है तो डिटेल्स डाल दीजिए उसके बाद आप सेव गार्ड कर दीजिए और फॉलोइंग कर दीजिए उसको आगे फॉलोविंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं आपने स्टेप नंबर फाइव में योर कॉन्टैक्ट्स तो इसमें हमें बेसिकली अपनी डिटेल्स डालनी है जहां पे हम स्टे करेंगे और हमारे फाइनेंस जैसे जैसे हम दिखाएंगे तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं होस्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन ऑप्शन आ रहे हैं अ पर्सन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट वेलकम्स मी तो इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट में टिक कर देंगे आगे चलते हैं दोस्तों ये पूरा खुल के आ जाएगा बेसिकली इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालेंगे क्योंकि उससे आपके वीजा लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं और उनको भी एक रेफरेंस मिल जाता है कि स्टडीज के लिए इस यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों इसमें होस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी नेम इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालेंगे हमने इसमें न्यूमा बिजनेस स्कूल डाला है यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालेंगे हम जो भी आपने कैंपस लिया होगा उसका एक एड्रेस होगा आप ऑनलाइन देख के देख लीजिए और डाल दीजिए इसमें पोस्टल कोड डालेंगे इसमें फाइव डबल वन डबल जीरो डाला है हमने इसमें सिटी डालेंगे रीम्स कंट्री फ्रांस फोन नंबर डालेंगे यूनिवर्सिटी का फिर उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी का ईमेल उसमें डालेंगे हम हब डॉट न्यूमा एट द रेट रीम्स की जो भी यूनिवर्सिटी का ईमेल होगा कॉन्टेक्ट ईमेल वो आप डाल दीजिए इसमें इसके बाद आती है दोस्तों कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है लेकर कि भाई जो भी आपकी कंट्री का मैनेजर हो हमारी कंट्री में इंडियन मैनेजर थे उनकी हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दी थी उनकी ईमेल आईडी डाली थी तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों इसमें नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन जो कि हमने एक फिक्टिशियस डाला है जॉन उनका फर्स्ट नेम आ गया आपका हॉपकिन एड्रेस यूनिवर्सिटी का सेम एड्रेस डाल दीजिए इसमें हमने डाला है मॉन्ट्रियाल स्ट्रीट उसके बाद आता है दोस्तों आपका पोस्टल कोड सिटी रीम्स और कंट्री सेम रहेगी फ्रांस आगे डालना है आपको कॉन्टेक्ट पर्सन का फोन नंबर वो डाल दीजिए और ई मेल डाल दीजिए इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आने के बाद जो भी आपने स्टे लिया होगा जैसे आपने रूम वगैरह बुक करा होगा तो आपको अब उसकी डिटेल भी डालनी है तो उसके लिए हमको अब सेलेक्ट करना है माई होटल और प्लेस ऑफ एक्मोडेशन इफ डिफरेंट में तो इसमें हम जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले हमने डाला है इसमें होटल नेम जो कि हमने डाला यूरोप स्टेज जो भी आपके कंपनी का नाम होगा जिसके भी थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट उसका नाम डाल दीजिए नहीं तो ओनर का नाम डाल दीजिए यहाँ पर उसके बाद आएगा दोस्तों आपका एड्रेस एड्रेस डाल दीजिएगा जहां भी आपका स्टे होगा फ्रांस के अंदर उसके बाद आता है दोस्तों आपका पोस्टल कोड कौन सी सिटी में जाने वाले हैं आप वो पोस्टल कोड डाल दीजिए सिटी का नेम डाल दीजिए और कंट्री फ्रांस रहेगी जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लैंडर होगा उसका आप फोन नंबर डाल दीजिए और उसके बाद उनका ईमेल आईडी डाल दीजिए तो दोस्तों चलते हैं अब फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेवल एक्सपेंसेज के पार्ट में तो इसमें अब आपके तीन ऑप्शन आ रहे हैं अगर आप अपनी स्टडीज खुद फाइनेंस कर रहे हैं तो आप पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं अगर आपकी स्टडीज कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है तो आप सेकंड ऑप्शन बुक कर सकते हैं उसमें और अगर आपकी स्टडीज कोई गारंटर कर रहा है जैसे कि आपके माता पिताजी हो गए या फिर आपने बैंक लोन लिया है तो वो आपको इसमें स्टेट करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है बहुत से बच्चों के केसेस में यही होता है तो इसमें हम जाएंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका स्पेसिफाई विच इसमें आपको डाल देना है बैंक लोन अपनी मदर का और फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए अपने मदर फादर की तो नीचे जाएंगे तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे लाइवलीहुड इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसमें आ जाएगा आपका ऑल एक्सपेंसेस फाइनेंस ड्यूरिंग माय स्टे इसको हम टिक कर देंगे अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टिक कर देंगे इसको हम और फ्लाइट पेड हो जाएगा इसमें तो इसको भी हम टिक कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे आपका पूरा एक बारी चेक कर लेंगे सारी इंफॉर्मेशन दोबारा और इसके बाद हम टू सेफ करके इसको फॉलोइिंग कर देंगे तो आगे आ जाते हैं दोस्तों हम स्टेप नंबर सिक्स में तो बेसिकली दोस्तों स्टेप नंबर सिक्स में आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये ऑप्शनल होता है आप अगर अपलोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं नहीं तो आप वहां पे आपको लेके जाने ही जाने हैं हार्ड कॉपी में तो हम तो इसमें रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो आप इसमें कर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हमने जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो वीडियो आने वाली है आप चैनल पर ही आप उसके लिए बने रहें क्योंकि हमने सब चीज बहुत डिटेल में क्लियर की है फाइनेंस पार्ट आपके अकोमोडेशन पार्ट आपका पूरा यूनिवर्सिटी का आपका पूरे जितने भी लेटर्स लगेंगे आपके एफिडेविट्स लगेंगे फाइनेंस के कैसे कैसे लगेंगे उनके पूरे टैंपलेट्स आपके कवर लेटर आपका एसओपी वो सब हमने डिटेल में कवर किया है तो नेक्स्ट वीडियो देखनी बिल्कुल ना भूले जब चैनल पे आए और इसमें हम ऊपर नीचे जाएंगे तो इसमें जाके हम परस्यू कर देंगे और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे आपका माय रिक्वेस्ट पर आ जाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक पेन का साइन बना हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपने पूरे इस फॉर्म में डाली है वो आप एक बार गो थ्रू कर लें जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म खुल के आया स्क्रीन पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक प्रोटोटाइप बन के आ गया है कि भाई आपके फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे है अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि फॉर्म में गलत है या फिर ग्रामेटिकल एरर है तो आप पीछे जाइए आप इसमें जाके एडिट कर सकते हैं जब आप अगर लगता है कि आपको कि भाई सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है तो इसमें हम आई डिक्लेयर कर देंगे और इसमें हम परस्यू के लिए क्लिक कर देंगे आगे चलते हैं दोस्तों तो इसमें हम देखेंगे कि एक ऑप्शन पॉपअप हो गया है इसमें हमको यस yes क्लिक कर देना है yes यस क्लिक करते ही दोस्तों इसमें आएगा आपका एक नंबर आ जाएगा ऊपर और इसमें नीचे की साइड चलेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपके कितने रुपए लगने वाले हैं कि भाई आपको वहां पे बी सेंटर पे कितने फीस लगेगी तो आप वो देख सकते हैं कि इस केस में एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटी टू इंडियन रुपीज लगेंगे तो इसमें हम दोस्तों आगे परस्यू कर देंगे इसको और फिर हमने देखेंगे कि इसमें आएगा आपका स्टेप वन ओ टू पर जिसमें लिखा होगा कि अपॉइंटमेंट मेक एन अपॉइंटमेंट तो हमें अपॉइंटमेंट तो लेना ही है तो इसमें हम नीचे जाएंगे तो इसमें यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा हुआ आपको कि बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई सर्टिफाइड दैट आई मेड कॉन्टेक्ट वीजा सेंटर इसमें हम टिक कर देंगे टिक करने के बाद दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे फॉरवर्ड टू वीजा सेंटर और वीजा सेंटर पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहां पर आ जाएंगे स्टेप नंबर सेकंड में जो कि ये आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे रहा है कि भाई आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं आपको पेमेंट और बायोमेट्रिक्स आपको वी सेंटर पर देनी ही होगी और आपका वी सेंटर ये इसमें दिखाई देगा हमारे केस में न्यू दिल्ली वी सेंटर दिखा रहा है इसके बाद हम टू एंड कर देंगे और टू एंड करने से पहले दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक पी का साइन बना रहा है वो आपका वीजा फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड कर देना है आपके ई मेल पर भी एक मेल आ जाएगा तो वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों ये पूरी प्रोसेस एंड हो जाती है अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमको मेल कर सकते हैं स्क्रीन पर आप एक मेल आईडी देख रहे होंगे अगली वीडियो हमारी पूरी डिटेल्ड होने वाली है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और जल्द हम नई वीडियो के साथ मौजूद होंगे बाय बाय टेक केयर आप अपना ध्यान रखें